हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास फिफ्थ की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे, लेसन टू होगा रियल ब्यूटी होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे हम लोगों ने लास्ट क्लास में, इस बुक को आप ओपन करेंगे, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रियल ब्यूटी नाम का एक चैप्टर डिस्कस किया था, ये चैप्टर। ठीक है, अब आज उसके एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करना है। ठीक है तो बच्चों, आपको ये बात पता है कि इस कहानी में हुआ क्या था। इस कहानी में हुआ ये था कि एक एलिना नाम की एक राजकुमारी थी जिसे अपने खूबसूरती पर बहुत घमंड था, और उसके पीछे से एक आवाज़ आती है कि मतलब कि तुमसे भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें इस दुनिया में हैं। ठीक है तो बच्चों, उसने उन चीज़ों को ढूंढना शुरू किया, उन चीज़ें उसको मिलती हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसको इस बात का एहसास होता है कि चेहरे से सुंदर होना सबसे बड़ी बात नहीं है, चरित्र से सुंदर होना और मतलब कि कैरेक्टर से अच्छा होना और सबकी मदद करना, यही सबसे बड़ा हमारा धर्म है, यही सबसे बड़ी ब्यूटी है। ठीक है तो चलो बच्चों, आज हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है चलो, देखो लिखा हुआ है, रीड द पैराग्राफ केयरफुली। चलो पढ़ लेते हैं। एलिना वाज नाउ वेरी हैप्पी। एलिना अब बहुत खुश थी क्योंकि सी अंडरस्टूड व्हाट द रियल ब्यूटी इज, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि सुंदरता क्या होती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि रियल ब्यूटी क्या होता है, असली सुंदरता क्या होती है। सी रियलाइज दैट इट इज नॉट इनफ टू बी ब्यूटीफुल। उसे इस बात का एहसास हुआ कि केवल सुंदर होना बाहर से पर्याप्त नहीं है, केवल बाहर से सुंदर होना पर्याप्त बात नहीं है। इनर ब्यूटी एंड गुड सोल आर इम्पॉर्टेंट। आंतरिक सुंदरता और अच्छी आत्मा, ठीक है, अंतरात्मा बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ सी वॉज नो लॉन्गर प्राउड। और उसने अब वो घमंडी नहीं रह गई। सी नेवर सैड अगेन। उसने फिर कभी दोबारा नहीं कहा, क्या नहीं कहा, देयर इज़ नो वन एज ब्यूटीफुल एज आई एम। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे जितना सुंदर हो, ये बात उसने दोबारा नहीं कही। सी स्टार्टेड गिविंग फूड। उसने भोजन देना शुरू किया, क्लॉथ्स देना शुरू किया और पैसे देना शुरू किया, किसको, गरीब लोगों को प्रत्येक दिन। नाउ द पुअर मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द सिटी लव्ड हर एंड स्टार्टेड कॉलिंग हर द काइंड प्रिंसेस। अब गरीब लोग, आदमी, औरतें और बच्चे उस शहर के उससे प्यार करने लगे और उसको दयालु राजकुमारी बुलाने लगे। ठीक है अब बच्चों, अब ये देखो ब्लू कलर में क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ, फ्रॉम द एबव पैराग्राफ, ऊपर वाले पैराग्राफ से, ठीक है, राइट द एंटोनिम ऑफ, एंटोनिम लिखना हुआ। एंटोनिम का क्या मतलब होता है बच्चों, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, विलोम, अपोजिट। ठीक है तो एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, विलोम, अपोजिट। तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, देखो, फ्रॉम द एबव पैराग्राफ राइट द एंटोनिम ऑफ, राइट एंटोनिम, राइट द एंटोनिम ऑफ, फर्स्ट बच्चों सैड, SAD, सैड का एंटोनिम आपको लिखना है, फेक का एंटोनिम लिखना है, अगली का एंटोनिम लिखना है, अगली का भी एंटोनिम लिखना है, आउटर का भी एंटोनिम लिखना है, अनइम्पॉर्टेंट का एंटोनिम लिखना है, अनइम्पॉर्टेंट, हेटेड का इम्पॉर्टेंट लिखना है, हेटेड का भी एंटोनिम्स आपको लिखना है। ठीक है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। तो बच्चों, ऊपर वाले पैराग्राफ में सैड का सैड मतलब क्या होता है बच्चों, सैड मतलब होता है दुखी, दुखी का उल्टा क्या होगा, खुश, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा बच्चों हैप्पी। मैं इसका मीनिंग भी लिखूंगा क्योंकि बच्चों इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी जानना भी बहुत जरूरी है। फेक, फेक मतलब क्या होता है बच्चों, नकली,
और नकली का उल्टा क्या होगा असली, और असली को इंग्लिश में बोलते हैं रियल, क्या बोलते हैं रियल, नोट कर लेंगे इसको भी। अगली, अगली का मतलब होता है भद्दा या फिर गंदा दिखने वाला, तो उसका उल्टा हो जाएगा सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल, क्या लिख लेंगे ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल ब्यूटीफुल। आउटर, आउटर का मतलब होता है बाहरी, अब बाहरी का उल्टा होगा भीतरी या फिर अंदर का, इसे बोलेंगे इनर, क्या बोलेंगे इनर, इनर ब्यूटी, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण ना हो, ठीक है, जो महत्वपूर्ण ना हो, और इसका मतलब होगा महत्वपूर्ण चीज़, इसको लिख लेंगे इम्पॉर्टेंट, आई एम पी ओ आर टी ई एन टी इम्पॉर्टेंट। हेटेड का क्या मतलब होता है, हेटेड का मतलब बच्चों होता है जिसको घृणा किया जाए, एच ए टी ई डी लिखा वही हुआ है लेकिन थोड़ा सा हेटेड, हेटेड का मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा लव्ड, जिसे प्यार किया जाए, जिसको प्यार किया जाए। अब इसके भी बच्चों मीनिंग भी साथ साथ लिख लो ताकि आपको पता रहे। सैड का मतलब होता है बच्चों दुखी, सैड का मतलब होता है दुखी। फेक का मतलब होता है नकली। अगली का मतलब होता है भद्दा या गंदा। आउटर का मतलब होता है बाहरी। अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट का मतलब होता है गैर जरूरी या फिर जो जरूरी ना हो, गैर जरूरी। हेटेड का मतलब होता है घृणित, हिंदी में कहेंगे घृणित शब्द है घृणित। अब बच्चों दुखी का उल्टा क्या होगा, खुश, तो हैप्पी मतलब खुश। नकली का उल्टा क्या होगा, असली, रियल मतलब असली। भद्दा का उल्टा क्या होगा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। आउटर का क्या मतलब होता है बच्चों, आउटर का मतलब होता है बाहरी, आउटर का मतलब बाहरी, तो इनर का मतलब भीतरी या फिर अंदर का, भीतरी। अनइम्पॉर्टेंट का मतलब होता है उल्टा होगा इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मतलब होता है जरूरी, गैर जरूरी का उल्टा क्या होगा, जो चीज़ जरूरी हो, जरूरी। घृणित का मतलब होता है हेटेड, इसका उल्टा क्या होगा, जिसे प्यार किया जाए, प्रिय लिख लो, प्रिय, प्रिय पूरा नहीं सही होगा बच्चों, लेकिन जिसे प्यार किया जाए। ठीक है तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है, आप इन्हें नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएंगे। चलो आपने नोट कर लिया होगा, मैंने डिलीट कर रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है, आपने ये पूरा कर लिया होगा। चलो आ जाओ, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सर्किल द एडजेक्टिव्स इन द अबव पैराग्राफ, सर्किल द एडजेक्टिव्स इन द अबव पैराग्राफ, मैं लिख रहा हूँ सर्किल द एडजेक्टिव्स इन द अबव पैराग्राफ, ठीक है। आपको, आपने जो बच्चों भी पैराग्राफ पढ़ा है उसमें आपका एडजेक्टिव कौन कौन से हैं उनको आपको राइट करना है, ठीक है। तो बच्चों एडजेक्टिव क्या होता है, ये बात आपको तब समझ में आएगी जब मैं इंग्लिश सेकंड में आपको ग्रामर में एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, लेकिन बच्चों मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, वे किसी नाउन या प्रोनाउन की को क्वालिफाई करता है या उनकी विशेषता बताता है,
ठीक है, जैसे मैं कह दूँ आदमी है कोई, तो मैं कह दूँ हैप्पी मैन, तो मतलब कि आदमी कैसा है, खुश है, तो खुश होना उसकी विशेषता हो गई, खुश होना उसकी वो हो गई, मतलब उसका गुणधर्म हो गया, बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ बॉय, ठीक है, मैं कह दूँ स्मॉल बॉय, छोटा बच्चा, ठीक है, तो छोटा बच्चा कैसा है, छोटा है, उसकी विशेषता हो गई। टाल मैन, लंबा आदमी, तो लंबा आदमी, आदमी एक नाउन है, नाउन की विशेषता जो बताएगा उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। तो बच्चों अभी आपको ये बात अगर समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस बात को चैप्टर जब मैं फिनिश करूँगा तब आप उस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, चलो जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एलिना वाज नाउ हैप्पी, हैप्पी क्या हो जाएगा बच्चों, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। हैप्पी को आप क्या कर लेंगे, हैप्पी को आप सर्किल कर लेंगे बुक में। ठीक है, बिकॉज सी अंडरस्टूड दैट द वर्ड द रियल ब्यूटी इज, ब्यूटी बच्चों एक नाउन है, रियल उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर रियल क्या हो जाएगा, रियल, रियल क्या हो जाएगा, रियल, रियल यहाँ पर एक एडजेक्टिव हो जाएगा, आर ई ए एल। नेक्स्ट है, सी रियलाइज दैट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटीफुल भी हमारा एक हो जाएगा एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल किसी चीज की विशेषता बताएगा ना, सुंदर आदमी, सुंदर औरत, सुंदर लड़का। ठीक है, एंड गुड, गुड भी क्या होगा बच्चों, गुड भी यहां पर एक होगा एडजेक्टिव, क्या होगा, गुड भी क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा, इसको भी सर्किल कर लेंगे, जी ओ ओ डी, गुड। हाँ बच्चों, एक और वर्ड इनर, आई एन एन ई आर, आई एन एन ई आर, आई एन एन ई आर, इनर, इनर मतलब आंतरिक, आंतरिक के बाद कोई नाउन जरूर आएगा। इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट वर्ड है इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट को भी आप सर्किल कर लेंगे। बच्चों अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी तो आप इसे एडजेक्टिव में समझ पाएंगे, जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में बात आ जाएगी। इम्पॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, गुड हो चुका है आपका। फिर नेक्स्ट आएगा बच्चों पुअर, नेक्स्ट आएगा पुअर, पी ओ ओ आर, पुअर, पुअर बच्चों एक एडजेक्टिव है, पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है। और बच्चों हो जाएगा काइंड, काइंड क्या होगा हमारा, एक ये भी एडजेक्टिव, काइंड मतलब दयालु। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, मैंने डिलीट कर देता हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, आ जाओ, आ जाइए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर आपको मैं समझाता चला जाऊँगा। देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर बी लिखा हुआ है टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, चलो लिखते चले जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैं लिख रहा हूँ, एलिना कार्ड, ए ई एल एल आई एन, एलिना कार्ड
herself the most princess, P-R-I-N-C-E-S, princess in the world. In the world. First बच्चों, beautiful, beautiful. B है intelligent. इंटेलिजेंट. सी है रिच. सेकेंड पे आ जाओ, द स्ट्रेंज वॉइस, सेड टू एलिना, सेड टू एलिना टू गो टू द, टू गो टू द इन हर गार्डन, इन हर गार्डन. थर्ड पे जाओ बच्चों, थर्ड है हमारा फर्स्ट टाइम, एफ आई आर एस टी फर्स्ट कामा टाइम, फर्स्ट टाइम कामा एलिना सा इन द पूल. फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों इसका, बच्चों इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखना है, ऑप्शन नहीं लिखा इसका, लिख देता हूँ पहले ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन ए है बच्चों इसका ऑप्शन पॉन्ड. ऑप्शन नंबर बी है बच्चों इसका पूल. ऑप्शन नंबर सी है बच्चों इसका रिवर, आर आई वी ई आर, रिवर. क्वेश्चन नंबर थर्ड पर जो बच्चों फिर से लिख देता हूँ, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम एलिना सा इन द पूल, इन द पूल. ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ए लोटस फ्लावर, ए लोटस फ्लावर. ऑप्शन नंबर बी है स्टार्स. ऑप्शन नंबर सी है ब्लाइंड गर्ल्स फेस. गुड प्रिंसेस, द पीपल, द पीपल बोलते बच्चों, द पीपल ऑफ द सिटी, ऑफ द सिटी स्टार्टेड कॉलिंग एलिना द. फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों ये गुड प्रिंसेस, ऑप्शन नंबर बी है बैड प्रिंसेस, ऑप्शन नंबर सी है काइंड प्रिंसेस, देखो अपने बच्चों ने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए नहीं जल्दी से, फिर मैं इसका ऑप्शन आपको सॉल्व करवा देता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, देखते जाओ. कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को आपको टिक करना है, ठीक है. देखा वो एलिना कॉल्ड हरसेल्फ द मोस्ट, अब इन ऑप्शंस में आपको चूज करना है, द एलिना कॉल्ड हरसेल्फ द मोस्ट प्रिंसेस इन द वर्ल्ड, कौन सी प्रिंसेस थी, ठीक है. तो अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल समझती थी, क्या समझती थी, ब्यूटीफुल समझती थी, ठीक है, इंटेलिजेंट भी नहीं होगा, रिच भी नहीं होगा. द स्ट्रेंज वॉइस सेड टू एलिना टू गो टू द, कहाँ पर जाने के लिए कहा था आवाज ने, कहा था पूल पे चले जाओ, कहाँ पे चले जाओ, पूल के पास चले जाओ, ठीक है. फर्स्ट टाइम एलिना सा, एलिना ने फर्स्ट टाइम जब पूल के पास गई तो क्या देखा था, लोटस फ्लावर देखा था, क्या देखा था, लोटस फ्लावर देखा था, ठीक है. द पीपल ऑफ द सिटी स्टार्टेड कॉलिंग एलिना, क्या बुलाना शुरू कर दिया, काइंड प्रिंसेस बुलाना शुरू कर दिया था, बात समझ आ गई, ठीक है. देखो अब देखो यहाँ पे फिल कर लो ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल फिल कर लो, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ठीक है. द स्ट्रेंज वॉइस इन द एलिना सेड टू एलिना टू गो टू द पूल इन द गार्डन, ठीक है. फर्स्ट टाइम एलिना सा ए लोटस फ्लावर, अ लोटस फ्लावर.
द पीपल ऑफ द सिटी स्टार्टेड कॉलिंग एलिना काइंड प्रिंसेस. क्या बुलाना शुरू कर दिया बच्चों? काइंड प्रिंसेस. बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, ये स्पेलिंग समझना, ये मत सोचना गलत लिख दिया, ये सी है, थोड़ा जल्दी जल्दी में इधर उधर हो जाता है. ठीक है, लिख लो इसको, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो चलो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं. वन मोर क्वेश्चन हम बच्चों सॉल्व करेंगे. अब चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग विद देयर करेक्ट एंडिंग्स. चलो देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग विद देयर करेक्ट एंडिंग्स. देखो इनिंग्स, देखो फर्स्ट है एलिना वाज प्राउड ऑफ, सेकेंड बच्चों एलिना सा ए लवली लोटस फ्लावर, एलिना सा ए लवली लवली लोटस फ्लावर. थर्ड ऑप्शन है बच्चों द लवली स्टार्स, द स्टार्स. फोर्थ ऑप्शन है बच्चों द ब्लाइंड गर्ल, द ब्लाइंड ठीक है इनर ब्यूटी. इनर ब्यूटी एंड गुड सोल. अब बच्चों इन्हें मैच किससे करवाना है ये लिख लेते हैं. ए ऑप्शन है बच्चों इन द पूल, इन द पूल. ऑप्शन नंबर बी लिखना है बच्चों वाज अ बिगर, वाज अ बिगर. ऑप्शन नंबर सी लिखना है बच्चों आर आल्सो इम्पोर्टेंट, आर आल्सो इम्पोर्टेंट. ऑप्शन नंबर डी है बच्चों हर ब्यूटी, हर ब्यूटी. ऑप्शन नंबर ई है बच्चों अपीयर्ड इन द स्काई, अपीयर्ड इन द एस के वाई. ठीक है बच्चों, पहले पहले नोट कर लिए, फिर हम इन्हें मैच कर देना शुरू कर देते हैं. चलो बच्चों मैच करते हैं. एलिना वाज प्राउड ऑफ, बच्चों इस लाइन को हमें इस लाइन से मैच करना है, कौन सा मैचिंग सही है. एलिना वाज प्राउड ऑफ, अब इसको मैं इससे मैच कर दूं इन द पूल, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा. एलिना वाज प्राउड ऑफ वाज ए बिगर, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा. एलिना वाज प्राउड ऑफ आर आल्सो इम्पॉर्टेंट, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा. एलिना वाज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, इसका मतलब निकल रहा है कि एलिना जो थी उसे अपने ब्यूटी पर बहुत ही घमंड था. तो आप फर्स्ट को
इससे ऑप्शन नंबर डी से मैच कर देंगे। एलिना सा ए लवली लोटस फ्लावर कहाँ पर देखा था? इन द पूल। बच्चों आप इसको इससे मैच कर देंगे, ठीक है। द लवली स्टार्स, द लवली स्टार्स क्या हो गए बच्चों? अपीयर हो गए। कहाँ पे हो गए अपीयर? स्काई में। मैच कर देंगे। द ब्लाइंड गर्ल वाज ए बिगर, ये सही हो जाएगा इसका। इनर ब्यूटी एंड गुड सोल आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। बच्चों ये हो गया, आप इसे भी नोट कर लेंगे। चलो बच्चों आपने मैच कर लिया, लिख लिया होगा, मैंने डिलीट कर देता हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे, ठीक है। देखो बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर डी पर, आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर डी पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी पर, क्वेश्चन नंबर डी में मैं क्या करना बच्चों? Write the words, write the words from the lesson which mean, जिनका मतलब क्या होता है उन्हें हमें लिखना है। M E A N, mean, ठीक है। First है arrogant, A R R O G A N T, arrogant। क्वेश्चन नंबर टू है हैप्पीनेस, एच ए पी पी आई, हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर थ्री बच्चों, बिकम इम्पॉसिबल टू सी, बिकम इम्पॉसिबल टू सी। क्वेश्चन नंबर फोर बच्चों, ए पर्सन हु कैन नॉट सी। फिफ्थ है अनयूजुअल, अन और सरप्राइजिंग, और सरप्राइजिंग, ए पर्सन हु कैन नॉट सी। तो बच्चों मतलब कि जो हमने आज चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर में ये किस किस के मतलब हो गए वही हमें लिखना है, ठीक है। तो एरोगेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, जिसको अपने ऊपर घमंड हो। तो बच्चों घमंडी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राउड, जो कि हमारे इस लेसन में आया हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे एरोगेंट का मतलब घमंडी। लिखेंगे घमंडी मतलब प्राउड, पी आर ओ यू डी, प्राउड, प्राउड, ठीक है। प्राउड मतलब पी, अरे पी आर ओ यू डी, प्राउड। एरोगेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? एरोगेंट, ठीक है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है जो खुशी। इसका जो सिनोनिम आया हुआ पेपर में बच्चों हमारे, इसमें आया हुआ जॉय, जॉय मतलब आया हुआ है, ठीक है। बिकम इम्पॉसिबल टू सी, जिसे देखा ना जा सके या फिर जिसे देखने में बहुत मुश्किल हो जाए, क्या बोलेंगे उसे? डिसअपीयर्ड, क्या बोलेंगे? डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड। ए पर्सन हु कैन नॉट सी, एक आदमी जो देख नहीं सकता उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लाइंड, क्या बोलेंगे? ब्लाइंड, ठीक है। नेक्स्ट है अनयूजुअल और सरप्राइजिंग, अनयूजुअल और सरप्राइजिंग, इसका मतलब ये हुआ जो बहुत साधारण ना हो, तो उसको लिखेंगे स्ट्रेंज। जो आपको अजीब सा लगे देखने में उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेंज, एस टी आर ए एन जी ई, एस टी आर ए एन जी ई। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर डी।
तो बच्चों आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ आज सीखा होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहिए। हर एक चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब आप घर पर पढ़ाई करेंगे तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ों को सीखते जाइए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।